हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वेज मोमोज की रेसिपी, जो बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आते हैं। बाजार जैसे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट मोमोज आप बड़े आसानी से घर पे बना सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मोमोज के साथ लाल चटनी मिलती है ना, बहुत ही टेस्टी तीखी और चटपटी सी, वो भी बनाएंगे और उसके साथ व्हाइट मेयोनीज भी बनाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मोमोज बनाने के लिए हम सबसे पहले स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने सारी सब्जियों को बारीक बारीक चॉप कर लिया। तो सब्जियों में मैंने लिया बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ व्हाइट प्याज यानी कि सफेद प्याज मेरे पास पड़ा था तो मैंने ये भी ले लिया, अगर आपके पास हरा प्याज हो तो वो भी ले सकते हैं। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी गाजर, थोड़ी सी धनिया पत्ती, एक चम्मच ग्रेट किया हुआ लहसुन, आधा चम्मच अदरक और एक कटी हुई हरी मिर्च। आपके पास इनमें से जो सब्जी हो वो ले सकते हैं, अगर इनमें से कोई नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। आप स्टफिंग में थोड़ा पनीर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक स्वाद अनुसार, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चीनी। चीनी डालने से स्टफिंग में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, इसे जरूर ऐड करें। और अब इसमें जाएगा एक चम्मच कुकिंग ऑयल, ऑयल डालने से सब्जियां ड्राई नहीं होंगी, और एक चम्मच सोया सॉस। अब इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसे साइड पे रखते हैं। तो अब हम मोमोज की कवरिंग बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया और इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे या फिर स्वाद अनुसार। और अब इसमें चिल्ड वाटर यानी कि फ्रिज का ठंडा पानी डाल के डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और गूंदते जाएं। टाइट डो गूंदना है हमें ताकि जब हम इसे बेल ले तो ये पतला बिल सके। अगर डो पतला होगा तो शीट्स पतली नहीं मिलेंगी। देखिए, इसे मैंने गूंद लिया। अब इसे क्लिंग रैप में या फिर किसी भी प्लास्टिक शीट में रैप करके फ्रिज में रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए, जिससे डो अच्छे से सेट हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, डो को गूंदने के लिए आपने फ्रिज का ठंडा पानी ही लेना है और डो गूंदने के बाद आपने डो को फ्रिज में रखना है। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके मोमोज भी बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे, बहुत ही टेस्टी। जितनी देर तक डो को रेस्ट करने के लिए रखा है उतनी देर तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो मोमोज की चटनी बनाने के लिए मैंने 6 लाल मिर्च को आधे घंटे के लिए गर्म पानी में डिप करके रख दिया था, जिससे ये काफी सॉफ्ट हो गई है। जो मैंने मिर्च ली है ये काफी तीखी वाली थी तो मैंने इसके सीड्स निकाल लिए थे, जिससे ये तीखी कम लगेगी। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च है तो आप 4 से 5 कश्मीरी मिर्च ले लें और 2 नॉर्मल वाली ये तीखी वाली मिर्च ले लें। कश्मीरी मिर्च तीखी नहीं होती है, उससे कलर काफी अच्छा आता है। मिर्ची को पानी में से निकाल के ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसके साथ इसमें डाल देंगे 9 से 10 लहसुन की कलियां। लहसुन को आप इसी तरह कच्चा ही सभी के साथ ग्राइंड करें, इससे चटनी में लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर तड़के में डालेंगे तो लहसुन का फ्लेवर कम हो जाएगा। मार्केट में इसी तरह लहसुन को कच्चा ही डालते हैं चटनी में। ये मैंने 3 टमाटर को रफली काट के लिया, इसे भी इसके साथ डाल देंगे। अब इसे पीस के इसकी प्योरी तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने इसकी प्योरी तैयार कर ली है। अब लेंगे कोई भी पैन या कढ़ाई और उसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के गर्म होते ही ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अगर आप पहले साबुत सिंपल मिर्च की जगह कश्मीरी मिर्च ले रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे कश्मीरी मिर्च पाउडर यूज ना करें। मैंने सिंपल मिर्च ली थी इसलिए मैंने 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड किया चटनी में, अच्छा मार्केट जैसा कलर लाने के लिए। अब इसमें जो हमने टमाटर और लहसुन की प्योरी बना के रखी थी उसे छान के ऐड करेंगे। जो भी इसमें बीज होंगे या फिर टमाटर के छिलके वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। ऐसा करने से बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर आएगा चटनी में। ये देखिए, प्योरी को मैंने छान लिया और जो ये बीज वगैरह बच गए हैं इसे हम फेंक देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार, आधा चम्मच के करीब चीनी खट्टा मीठा फ्लेवर लाने के लिए, और बिल्कुल थोड़ा सा अजीनामोटो 2 चुटकी। मार्केट जैसे चटनी बनाना बता रही हूँ इसलिए आज मैंने अजीनामोटो डाला है, वैसे मैं अजीनामोटो यूज नहीं करती हूँ। आप इसकी जगह पे आधा चम्मच सिरका भी ऐड कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं।
अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक पैकेट मैगी मसाला, इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चटनी में। एक पैकेट में एक चम्मच मसाला होता है। अब इसे पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मेरे घर में ये चटनी कभी भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनती है कि मेरे बच्चे इस चटनी को स्नैक्स के साथ, रोटी के साथ, मैगी के साथ या फिर ब्रेड पे लगा के खाते हैं। बच्चों को इतनी टेस्टी लगती है ये चटनी। सच बताऊं तो मैं इस चटनी में अजीनामोटो या सिरका कुछ भी नहीं डालती हूं, क्योंकि मेरे घर में बच्चे ये चटनी बहुत खाते हैं, इसलिए मैं नहीं डालती हूं। अगर कोई घर में गेस्ट आए तो स्नैक्स के साथ सर्व करनी हो तो थोड़ा सा सिरका जरूर ऐड करती हूं, लेकिन मार्केट में अजीनामोटो ही यूज करते हैं। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है ये चटनी, 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। देखिए इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया, तो इसका मतलब चटनी बनकर तैयार है। इससे ज्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे चटनी को, ठंडी होने के बाद और चटनी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रखेंगे। मार्केट में जो मोमोज के साथ मेयोनेज या फिर व्हाइट सॉस मिलती है ना, वो भी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच दूध, 1.5 चम्मच ताजी मलाई, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच चीनी, 2 चुटकी अजीनामोटो, इससे थोड़ा चाइनीज फ्लेवर आएगा मेयोनेज में। आप इसकी जगह पे 1/2 चम्मच सिरका भी ले सकते हैं। अब इसमें एक मीडियम साइज का आलू डालेंगे। जी हाँ, आलू डालना, सुनकर हैरानी हो रही है ना आपको, आलू से मेयोनेज। मार्केट में हम जो मोमोज खाते हैं ना, वो इसी तरह ही चटनी बनाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया, लग रही है ना बिल्कुल मेयोनेज। चटनियां तो बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन के ऊपर छन्नी को रखेंगे और उसके ऊपर साफ कपड़ा रखेंगे और जो हमने सब्जियों का मिक्सचर तैयार करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और जो सब्जियों ने पानी छोड़ा था उसे निकाल देंगे। अगर इसी तरह फिलिंग करेंगे तो मोमोज ठीक नहीं बनेंगे। आप इस पानी को किसी भी सब्जी में या फिर सूप में यूज कर सकते हैं। देखिए पानी निकालने के बाद भी सब्जियां ड्राई नहीं हुई है, जो हमने इसमें ऑयल ऐड किया था उसकी वजह से। इधर डो को रेस्ट करते हुए भी 20-25 मिनट हो गए हैं। इसे मैंने फ्रिज में से निकाल लिया। एक बार फिर से इसे मसल लेंगे और अब इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे और अब इसके छोटे छोटे पेड़े कर लेंगे। इसको एक गीले कपड़े से कवर कर दे ताकि ये ड्राई ना हो। एक एक लोई को निकालते जाए और बेलते जाए। थोड़ा सा पेड़े को मैदे से डस्ट कर ले और फिर इसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेल ले। ये देखिए कितना पतला बेला है मैंने इसे, इसमें से मेरी उंगलियां भी दिख रही हैं। इसी तरह से सारी लोइयों को बेल लेंगे। जो पहली बार किचन में बना रहे हैं जैसे बच्चे, उनसे इतना पतला नहीं बेला जाएगा और गोल नहीं बेला जाएगा, तो वो पहले इस तरह बेल ले जितना पतला बेल सकते हैं और फिर इस तरह कटोरी से राउंड कट कर ले। अब तो बच्चे भी आसानी से मोमोज बना लेंगे घर पर। अब हम इसके सेंटर में थोड़ी सी फिलिंग को रखेंगे और इसके साइड्स पे पानी लगाएंगे और फिर एक साइड को उठा के इस तरह दूसरी साइड पे रख देंगे और फिर साइड्स को दबा देंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए और खुले ना। अब फिर से इस तरह एक साइड को उठा के दूसरी साइड के ऊपर करके अच्छे से प्रेस कर दें, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरह। ये देखिए एक शेप रेडी हो गई है मोमोज की। अब दूसरी बनाते हैं, सेम उसी तरह फिलिंग रखेंगे और अब छोटी छोटी प्लेट्स डाल देंगे। एक प्लेट डालने के बाद दूसरी प्लेट को पहली प्लेट के ऊपर करेंगे। इसी तरह 6 से 7 प्लेट्स डाल देंगे और फिर साइड्स पे पानी लगाएंगे और अब इस तरह प्लेन वाली साइड को उठा के प्लेट्स वाली साइड के साथ चिपका देंगे और फिर दोनों कॉर्नर्स को आपस में जोड़ देंगे। ये भी कितनी अच्छी मोमोज की शेप लग रही है। अब तीसरे तरीके से बनाते हैं, सेम उसी तरह फिलिंग रखेंगे और इस तरह सारी प्लेट्स डाल देंगे और फिर इसको सेंटर से इस तरह टर्न कर देंगे, यानी कि थोड़ा मोड़ देंगे। तीसरा स्टाइल भी बनकर तैयार हो गया। अब चौथे तरीके से भी बना लेते हैं, जो आपको इजी लगे उसी तरीके से बना सकते हैं। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप सबको भी मोमोज खाने अच्छे लगते हैं या फिर नहीं, और आपको इन चारों में से कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। और प्लीज जिस तरह आपने मुझे फेसबुक पेज पे इतना सपोर्ट किया उसी तरह प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस तरह एक साइड को उठा के दूसरी साइड पे रखेंगे और फिर इस तरह प्लेट्स डाल देंगे। ये भी तरीका बहुत इजी है।
ये देखिए मैंने आधे मोमोज रेडी कर लिए हैं, अब इन्हें स्टीम कर लेते हैं। मैंने इस तरह कढ़ाई में पानी लिया और उसके ऊपर इस तरह स्टीम वाली प्लेट रख दी है। पानी को अच्छे से उबलने दें, जब पानी अच्छे से उबल जाए तो इसके ऊपर मोमोज रखेंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्टीमर नहीं है तो आप नॉर्मल कढ़ाई में पानी डाल लें और कोई भी उसमें स्टैंड, कटोरी या फिर प्लेट को उल्टी करके रख दें और उसके ऊपर दूध के पतीले को कवर करने वाली जो हम जाली यूज करते हैं ना वो रख लें, नहीं तो परून भी रख सकते हैं। बस उसके ऊपर मोमोज को रख के स्टीम कर लें। आप कढ़ाई को कवर करके 15 मिनट के लिए इसे स्टीम करेंगे। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं, कितने ट्रांसपेरेंट हो गए हैं मोमोज, यही पहचान है कि मोमोज अच्छे से स्टीम हो गए हैं। हमने पतली शीट बनाई थी इसलिए अच्छे से स्टीम हुए हैं। अब इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये जो व्हाइट सॉस बनाई थी और ये रेड वाली सॉस, दोनों ही बहुत टेस्टी बनी है। ये देखिए कितनी पतली शीट बनी है, अगर आप इससे ज्यादा पकाएंगे तो इसकी शीट सॉफ्ट नहीं बनेगी तो ये खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। मोमोज बनकर तैयार है, आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखिए कितनी मेहनत से मैं आपके लिए पूरे टिप्स के साथ ये वीडियो लाई हूँ, तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसी अच्छी अच्छी और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।